Hey everyone, welcome to Wise Talk Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर. सो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी से. सो निफ्टी ने आज क्या किया है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. एक चीज़ क्लियर हो गई है कि मार्केट में एंड में सेलिंग आ रही है. ये हमारा लास्ट डे का कॉन्टेक्स्ट था कि मार्केट में हायर लेवल से सेलिंग आ रही है. आज क्या हुआ, मार्केट ने एकदम से एक ब्रेक दिया, डब्लू पैटर्न बनाया एंड देन मार्केट यहाँ पर फिर अटक गई एंड फिर नीचे आ गई. एंड में दोबारा सेलिंग आई है. ओके, सो मेरा आज कोई ट्रेड नहीं था बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा टिकी नहीं, एकदम से ऊपर भाग गई, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लेना चाहता था. यहाँ पर एम पैटर्न बना था, ट्रेड बन सकता था मेरा, बट देन मैं हमेशा एम और डब्ल्यू जो होते हैं स्पेशली इंपॉर्टेंट जोन्स के पास ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ट्रेड करना, रादर देन कहीं सेंटर में बीच में. सो अब इस कॉन्टेक्स्ट को मैं यूज़ करूँगा कल के लिए. अब एक चीज़ और, कल का हाई और लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बन रहा है और आज मार्केट कहाँ पर है, बिल्कुल कल के हाई और लो के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइड बार. सो इसको एक चीज़ और हम बोल सकते हैं कि मार्केट में एक हॉल्ट है. अब दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया, मार्केट में एक हॉल्ट है और सेकेंड चीज़ क्या होगी कि मार्केट में एक कॉमन चीज़ हो रही है, हायर लेवल्स पे सेलिंग आ रही है. ओके, हायर लेवल्स पे सेलिंग आ रही है. सो ये कॉन्टेक्स्ट हमारा क्लियर है. अब कॉन्टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्टेक्स्ट को इसके हिसाब से हम प्लान्स बताते हैं. सबसे पहले अब इस मार्केट में गैप अप गैप डाउन आपको पता है कहीं भी आगे पीछे हो रही है मार्केट, तो मैं आप पॉसिबिलिटीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. सो सबसे पहली पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर, ये क्या है आपका 19800 का जोन, बिग राउंड नंबर है, इतना क्लियर है. अब यहाँ पर हम कैसे प्लान बनाएंगे, सबसे पहली चीज़ पहले तो बाय का प्लान बनाते हैं. सो अगर लेट्स से मार्केट यहाँ पर ओपन हुई या यहाँ पर कहीं ओपन हुई, यहाँ कहीं ओपन हुई, थोड़ा बहुत घूमती है, करती है, हायर लो का पैटर्न बनाती है और इसके ऊपर निकलती है, टिकती है, फिर निकलती है, ऐसा कुछ करती है. क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट बाय पे तो यहाँ पर भी रिजेक्शन हुआ है. सो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि मार्केट निकले ऊपर, वॉल्यूम राइज हो, हल्का सा टिके, कोई इनसाइड बार बनाए एंड देन ब्रेकआउट दे, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाय का प्लान कर सकते हैं. तो एक तो प्लान ये हो जाएगा. सो मैं एक बार ऐसा बता देता हूँ. सो एक प्लान हो जाएगा हमारा, अगर प्राइस ऊपर टिकती है तो यहाँ पर हमारा एक बाय का प्लान होगा. अब अगर प्राइस लेट से यहाँ पर कहीं ओपन होती है और ऐसा कुछ करती है, राइट, इस टाइप से कुछ करती है, पुल बैक देती है, फिर लोअर हाई बना के डे लो तोड़ देती है या कुछ ऐसी चीज़ें करती है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सेल का प्लान करेंगे. ये बहुत हाई एरियाज हैं, मतलब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पर अगर सेलिंग आती है तो मार्केट वापस से पूरा इस लेवल तक रिट्रेस कर सकती है. ओके, सो बेसिकली 150 पॉइंट के करीब की रिट्रेसमेंट यहाँ पॉसिबल हो सकती है अगर मार्केट ने ऐसा कुछ किया तो. क्योंकि बार बार अटैम्प्ट देगी और फेल हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट जो नेक्स्ट एरिया है, जो बेसिकली अगर आप ऐसे देखेंगे कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट टॉप है, ब्रैकेट बॉटम है, तो मार्केट क्या करेगी, एक एंड चेक कर लिया, अब दूसरे एंड को चेक करती है. सो मार्केट की फितरत होती है, हमेशा मार्केट ये सब चीज़ें करती है, तो आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, नाउ दूसरी चीज़, अब अगली चीज़ क्या होने वाली है, मैंने आपको क्या लेवल बताया था, 19730. सो 19730 का एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बार बार मार्केट क्या कर रही थी, इसी जोन पे मौका दे रही थी, यहाँ पर दोबारा यहाँ दिया था, कल तो यहाँ डब्ल्यू भी बना था, ये वाला मौका भी दिया था, आज क्या किया, इधर थोड़ा सा एक साइडवेज मूवमेंट थी, अगर यहाँ से थोड़ा ढंग से ऊपर निकलती तो यहाँ पर एक मे बी एक बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, बट फिर वो सेंटर में है, बीच में है, तो थोड़ा उसकी प्रॉबेबिलिटी कम रहती, इस तरफ कहीं बनती तो ज़्यादा मज़ा आता. सो ठीक है, तो रैंडम था आज बिहेवियर सारा मार्केट का. 19730 इज़ सो इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. अगर प्राइस लेट्स से यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है, कुछ डब्लू बनाती है, कुछ करती है, इस टाइप का कुछ पैटर्न यहाँ बनता है, तो यहाँ पर एक बाय अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है. पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा आपका 19780, सेकेंड टारगेट क्या होगा 19800 और उसके बाद 19830. सो तीन टारगेट्स हमारे पॉसिबल हैं अगर प्राइस यहाँ पर 19750 to 730 के बीच में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, कुछ हमें हायर लो का एक पैटर्न दिखाती है और दिखाती है ये चीज़ कि यहाँ पर मार्केट नीचे नहीं जा रही है. ओके, तो हम लोग इसको और इस लेवल को टारगेट कर सकते हैं, देन इसको टारगेट कर सकते हैं.
अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हम इसमें टिक के बैठे रहेंगे, रीज़न बिंग कि एंड में मार्केट में सेलिंग आ रही है, वो हमें दोबारा ऑब्जर्व करना पड़ेगा और मे बी शायद वहाँ पर हम दोबारा ट्रेड बना लें, बट फॉर द टाइमिंग अगर मार्केट मॉर्निंग में ऐसा ओपन करती है तो हमारा ये ट्रेड प्लान रहेगा। सो मैं एक बार ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, ओके ये सब हटा देते हैं हम। सो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा एक बाय का प्लान हो गया, ओके अब यहीं पर एक सेल का प्लान भी है। अगर मार्केट लेट्स से इस जोन को तोड़ती है, मैं ये जोन नहीं बोलूँगा, मैं इस जोन को बोलूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैंने वहाँ ध्यान नहीं दिया था। अगर प्राइस लेट्स से इस जोन को ऐसे यहाँ पर रेड कैंडल आती है, इसको तोड़ती है, फिर नीचे जाती है, फिर एक रीअटेम्प्ट देती है और फिर ब्रेक देती है, अगर ऐसा कुछ करती है तो यहाँ पर आप सेल प्लान करेंगे और आपका पहला टारगेट होगा 19650, 630 एंड 600। ये तीन टारगेट्स आपके आने वाले हैं फिर, ओके तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होने वाला है कि 19700 को तोड़े और जो अटेम्प्ट देती है बेसिकली, जो आपका ये कि जैसे मार्केट क्या कर रही है, टूटी, ये जो पुल बैक दे रही है ये थोड़े वीक होने चाहिए। अगर ये वीक हैं, छोटे पुल बैक्स हैं, जैसे ही रिजेक्शन होता है अगली रेड कैंडल आती है उस पर आप ट्रेड ले लेंगे अपना, ओके तो ये आपकी टोटल कितनी हो गई, चार पॉसिबिलिटीज़ हो गई जिसके हिसाब से आज मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। सो इसको ही आपको फॉलो करना है। लेवल्स आपके सामने मैंने मार्क किए हुए हैं, आप एक बार बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, देखिए अगेन सेम मैंने यहाँ पर लेवल्स मार्क किए हुए हैं और अगर मैं इसका हाई और लो को पकड़ूँ, ये पूरा दिन का ही ले लेता है, ओके तो आप यहाँ देख सकते हैं 44300 से लेके 44400, आप मतलब ये 400 ही ले लो उसको। सो बेसिकली ये 44400 ये जो लेवल है, ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड रहा है वो क्या है, लोअर हाई का ट्रेंड है, इतना तो क्लियर है। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ चेक करनी है कि कल अगर प्राइस लेट से यहाँ पर खुलती है फिर वापस ऐसे नीचे आती है, कुछ ऐसा बनाती है इस जोन पे, तो क्या क्लियर होगा कि इधर जो ट्रेंड था वो इधर चेंज हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर बाय प्लान कर सकते हैं इस जोन के अंदर। अगर मार्केट ओपन करती है तो आपको क्या देखना है, आपको पुल बैक्स को नोट करना है और उसके बाद जैसे पुल बैक हाई के ऊपर मार्केट निकलती है तो वहाँ पर हम बाय प्लान कर सकते हैं, ये आपका एक प्लान रहेगा यहाँ पर। उसके बाद सेकंड प्लान क्या होने वाला है, अगर लेट्स से मार्केट आपका ये 44400 इस जोन के पास, अगर मान लो गैप अप खुलती है, कुछ खुलती है, ऐसे खुलती है, नीचे आती है, अब अगर इसके ऊपर निकली तो हम लोग बाय प्लान कर लेंगे, ओके बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट खुली, नीचे आई, एम पैटर्न टाइप ऑफ पैटर्न बनाती है तो यहाँ पर हम सेल करेंगे। सो एक पैटर्न मैंने आपको यहाँ बता दिया बाय का, एक सेल का बता दिया, एक और बाय का बता दिया अगर मार्केट ऊपर निकलती है, ब्रेकआउट करती है तो, बेसिकली हायर हाई बनाती है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय का प्लान करेंगे यहाँ पर। अब एक एक्सट्रीम लेवल का केस हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल का केस क्या होगा कि अगर प्राइस लेट्स से आपका, वैसे तो ये देखा जाए वाला केस तोड़ दिया है इसने नीचे की तरफ, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, अगर हम लोग इस जोन के पास से मार्केट थोड़ा सा नीचे निकलती है तो यहाँ पर 44400 एंड 44000 ये लेवल चेक हो सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रीज़न बीइंग कि इधर मार्केट ने लास्ट सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, एक अच्छा खासा एक हैमर काइंड ऑफ ए पैटर्न बनाया था, फिर मार्केट ने ऊपर क्या दिया, सपोर्ट, मतलब बेसिकली एक जो फॉलो थ्रू होता है वो नहीं दिया, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर अब नीचे दोबारा रिटेम्प देती है तो चांसेस हैं कि हम लोग दोबारा इसको चेक कर सकते हैं। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं हमेशा पुल बैक्स जो होते हैं या फिर आपके हैमर कैंडल स्टिक्स बनती हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान दीजिए। जब भी एक हैमर बनता है तो उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली कैंडल थी ऐसी, ओके बट इस जोन पे आ गए बायर्स और धीरे 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 जो क्लोज था उसको ले गए यहाँ पर, जो क्लोज यहाँ होना चाहिए था उस क्लोज को यहाँ ले गए। तो ये कौन थे, ये बायर्स ने रिस्पॉन्स किया था लोअर लेवल्स पे, तो रिस्पॉन्सिव बायर्स थे, ऑल राइट। अब अगर ये बायर्स टेकन आउट हो जाते तो क्या होगा, मतलब बेसिकली इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट और नीचे जाएगी। सो आपको इस जोन का ध्यान देना है,
44,200 के पास अगर मार्केट नीचे रिजेक्ट करती है और एम पैटर्न टाइप पैटर्न बनाती है तो हम लोग सेल प्लान करेंगे, ये इसका मतलब है। सो आई होप एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, आपको एक चीज़ दिखी होगी कि हम लोग छोटे छोटे प्राइस एक्शन वाली चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और हम उन्हीं को रिंस एंड रिपीट कर रहे हैं। अगर आप एक बिगनर हैं तो एक दो पैटर्न्स में प्ले करिए, अगर आप सोचेंगे आप एक मिनट पे भी ट्रेड कर लें, पाँच मिनट पे भी कर लें, डब्ल्यू पे भी कर लें, एम पे भी कर लें, फ्लैग पे भी कर लें, अगर आप सब कुछ एक साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब आपको मल्टीपल पैटर्न चार्ट पे दिखाई देने लग जाएंगे आपको अभी ट्रेड ही नहीं लेंगे, और उससे होगा क्या, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एग्जीक्यूशन का फियर, आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे ट्रेड को, आप बस साइडलाइंस में बैठ के देखते रह जाएंगे। सो जिस दिन ट्रेड्स आएंगे उस दिन आप बैठे रहेंगे, जिस दिन कुछ करना नहीं होगा उस दिन आप ट्रेड लेंगे, तो होगा क्या, एट द एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में पिक्चर बैठ जाएगी कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जब भी आप एंट्री करते हैं आपको नुकसान हो जाता है। सो इन सब चीज़ों को जो फियर है इसको हटाने के लिए आपको क्या करना, अपनी क्वांटिटी कम करिए और अपनी एक आदत डालिए। जैसे हम जिम में जाते हैं हम एक आदत डालते हैं कि हमें वेट उठाने, हम डायरेक्टली जाके 100 किलो तो नहीं उठाते हैं, पहले 5 किलो 10 किलो से प्रैक्टिस होती है, बॉडी को एक वेट बैलेंसिंग करवाई जाती है कि बॉडी कितना वेट उठा सकती है, जो लिगमेंट्स हैं ये सब उनको ट्रेन किया जाता है जिससे वो वेट को मैनेज कर सकें। सेम चीज़ आपकी ट्रेडिंग के साथ भी है। सो आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको, एंड अगर अभी तक आपने हमारी वाई स्टॉक रिसर्च की कम्युनिटी के बारे में नहीं देखा है या उसके बारे में नहीं सुना है, सो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वो जाके देखिए, अगर आपको लगता है इट्स वर्थ योर वाइल सो मेक श्योर यू ज्वाइन इट, इट्स फ्री, बट कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप फुलफिल करते हैं सो यू आर मोस्ट वेलकम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।